हो गया। हेलो। हाँ चंद्रमोहन, मैंने बोला क्या आपको याद है मैंने हम लोगों ने पिछले क्लासेस में क्या क्या पढ़ा था, उसमें से आप सबको कुछ कुछ पॉइंट बताने हैं। जल्दी स्टार्ट कीजिए, 5 मिनट में फटाफट रिवीजन होगा, 11:08 हो चुका है, जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो आप मुझे यस बता, मैम। हाँ क्या क्या टाइम आपको याद है राइट नाउ, जल्दी हरी अप। यस मैम, हम लोग फूल पुष्प के बारे में पढ़े जी, थे हाउ और मेनी पार्ट्स ऑफ एक हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, एक फ्लावर का कितना पार्ट होता है। हरी चार अप, पार्ट फोर होते पार्ट होता है हैं। जी। फोर ओके 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 चंद्रमोहन, आप बताओ पार्ट। नेम, बताओ नेम। चंद्रमोहन नाम बताना है, नहीं याद है तो बोल दो जल्दी से कि मैम पास कर दीजिए क्वेश्चन, याद नहीं आपको। हम बता ओके मैं ना जी बताओ। बता रहे हो, पंखुड़ी, बाहेदल, पुकेसर अच्छा और स्त्री केशर। ओके ठीक है, देखते जी हैं तो कि सही बताए हो या नहीं। थोड़ी देर रुक जाओ, बताती हूँ आपने गलत क्या किया है। चंद्रमोहन आप बताओ। मैम, उसका पंखुड़ी होगा और बाहेदल होगा, स्त्री केशर होगा, पुंकेसर होगा। अच्छा, एनी वन, कोई और दूसरे लोग बताना चाहेंगे। बस मैम यही होगा, ओके बाहर वाले ठीक पार्ट को। ठीक है ठीक है, आप सही बता रहे हो। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बाहदल किसे कहते हैं। सपना जल्दी बताना बेटा, टाइम किल मत करना। बांदल जो बाहर वाला पार्ट होता है ग्रीन कलर का मैम, वही उसी ठीक को है, बोलते पुष्प हैं। के बाहरी भाग को जो कि हरे रंग का होता है उसे बाहदल कहते हैं। एक अच्छे से टर्म में उसको बोलो ताकि वो जो हैबिट आप लोग में डेवलप रहेगी, आप एट द टाइम ऑफ राइटिंग आप वही लिखेंगे, तो बोलने का कोशिश भी उसी तरीके से आप करो। ठीक है, समझ में आया बात। यस मैम। नेक्स्ट मेरे को ये पूछना था, नेक्स्ट टाइम ये था आपको। गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग मीनू, कोरोला किसे कहते हैं, इट मीन्स पंखुरी किसे कहते हैं। चंद्रमोहन वीडियो ऑन कीजिए, खुशबू, मीनू, कुसुम, एवरीवन वीडियो ऑन करो, फलक, मेहनाज। हाँ चंद्रमोहन आप बताइए, मेन्यू आप बता दो बेटा। कोरोला मैम पंखुड़ी किसे कहते हैं। हाँ जी बोलिए चंद्रमोहन। मैम, जो फूल के एक जो उसको बाह्य दल के अंदर जो रहते हैं ना, जी फूल का उसको मतलब एक एक पार्ट जो होता है ना, जो क्या बोलेंगे उसको, जिससे फूल बनता है उसको पंखुड़ी बोलेंगे। कली को अंदर वाले पार्ट को, पुष्प के खिले भाग को मैम। पुष्प के अच्छा खिले भाग को। हाँ ठीक है, वो जो बाहदल के बाद का जो पार्ट होता है, जो कलरफुल होता है, रंगीन होता है, उसी को पंखुड़ी बोलते हैं। सही है, आप लोगों को पता है, थोड़ा थोड़ा कई बार होता है कि हम फ्लुएंटली नहीं बोल पाते, कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है सबके साथ। एंड्रोसियन डैट मीन्स की पू केसर किसे कहते हैं, फलक आप बताओ। वीडियो ऑन करो एवरीवन। वो केसर किसे कहते हैं। वो केसर किसे कहते हैं, फूलों के अंदर पाए जाने। हाँ बोलिए चंद्रमोहन आप ही बोलिए। मैम वो फूलों के अंदर वो बहुत सारे भाग जो होता है ना, जिसे डंठी उसी को बोलते बोलते हैं। जैसे हैं, बहुत नहीं सारे भाग होते जैसे हैं। पुकेसर किसे कहते हैं, चलिए जैसे बोलो। मैम पुष्प के फूल वाले भाग जो पुष्प जैसे परागकण पाए जाते हैं। यस यस मैम, जिसमें परागकण पाए जाते हैं। और दूसरी चीज की दूसरी भाषा में मैं ये कह सकता हूँ मैम कि जैसे जो है एक लेडी और एक जेंट्स होते हैं ना, उनके उनके मतलब कि युग्मक से जब नया कोई बेबी उत्पन्न होता है, उसी तरह जैसे जेंट्स होते हैं ना, वैसे पुष्प का वो जेंट्स पार्ट जो कि स्त्री केसर के साथ में अपना युग्मक बनाकर और नया पुष्प के पौधे या फल का जो निर्माण करते हैं, उसे पुकेसर बोलते हैं। बहुत अच्छा, कीप इट अप, बहुत अच्छा, बहुत मैम उसे अच्छे से। स्पर्म भी बोला जाएगा। हाँ पौधे का स्पर्म पार्ट होता है जिसको बीजांड बोलते हैं।
बीज उसमें छिपे रहते, बीजाणु छिपे रहते। स्त्री केसर किसे कहते हैं? मेहनाज। मेहनाज फलक। सॉरी मैम, मैम पुष्प के केंद्र भाग को, जो मुख्य भाग पुष्प का होता है, उसे स्त्री केसर कहते हैं। या बोल दोगे फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब स्त्री वाला जो गुण धारण करे रहता है, जिसमें बहुत सारे अंडाणु पाए जाते हैं, या क्या पाए जाते हैं उसमें, क्या छिपा रहता है, छोटे छोटे आपको दिखाया था ना, क्या पाया जाता है, अंडाशय, अंडाशय में पाया जाता है बहुत सारा अंडाणु, उसी को हम स्त्री केसर अंडे अंडे पाए जाते हैं। हाँ, छोटे छोटे पोस्ट जैसे रहते हैं, दानेदार रहते हैं, ठीक है, अंडे। हाँ, अंडे बोलेंगे ना मैम उसको। हाँ हाँ, अंडा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब फीमेल और मेल गैमेट दोनों एक साथ मिलते हैं तो क्या, किस चीज का प्रोसेस होता है, मैंने कल बताया था। हाँ, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, मैंने प्रोसेस का नाम पूछा। उस प्रोसेस को जब फीमेल और मेल दोनों गैमेट आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसको निषेचन, हाँ जी, हिंदी में निषेचन बोलते हैं। समझ में आया? और कुछ पार्ट जी बोलिए, बोलिए और कुछ पार्ट हम लोग का था उसमें। ठीक है, पौधों के अंदर बहुत सारे, पौधे के अंदर पाए जाने वाला जो मंड होता है, पौधे के किन किन भागों में जमा हो सकता है या संग्रहित होता है, बोलिए चंद्रमोहन। मैम उसके पत्ती में तो होंगे ही होंगे, पत्तियों में होता है और जड़ों में होता है। पत्ती में, जड़ में, पत्ती में, जड़ में और तना में होते हैं। पौधे के डिफरेंट पार्ट में वो स्टोर हो जाते हैं, जिसको हम लोग खाते, जो भी पार्ट आप पौधे का खाते हो, डेट इज कंटेनिंग स्टार्च। ठीक है, पौधे का जो भी पार्ट है वो स्टार्च कंटेन करता है, चाहे आप लीफ को खाओ, चाहे आप तना खाओ, चाहे आप रूट को खाओ। ठीक है, ये बात अलग है कि हम उसे जड़ नाम देते हैं, तना नाम देते हैं। अपने स्किन की तरह मैंने एग्जांपल समझाया था कि हमारा स्किन जो है ना कोलेजन से ही बना हुआ है, बट हम इसको चीक नाम देते हैं, इसको नोज नाम, इसको माउथ, ऐसा नाम हमने दे रखा है। उसी तरह सेम इन द प्लांट होता है। समझ में आ गया सबको? क्लियर है? यस मैम, उसको ऑल पार्ट बोल सकते हैं। जी बोलो। उसको उसको ऑल पार्ट भी बोल सकते हैं ना मैम? हाँ हाँ, ऑल पार्ट, इन अ सिंगल वर्ड यू कैन से दैट कि ऑल पार्ट्स, पौधे के सारे भाग, ऐसा बता सकते हैं। बट कुछ भाग नहीं बताते, एक्चुअली नहीं कंटेन करते, इसलिए हम लोग ऐसे बता देते हैं ओपन करके कि हाँ, रूट हो गया, स्टीम हो गया, तना हो गया, लीफ हो गया, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, जितना याद है आप लोगों को, मुझे तो ठीक लग रहा है। और जो भी एक दो छूट रहे क्वेश्चन, हम लोग संडे को, आई होप संडे को हम लोग फिर से इकट्ठा होंगे। जो भी चैप्टर होता है वो हम लोग, एक्चुअली हमने सोचा था संडे को छुट्टी रखने के बारे में, बट ठीक है, अगर सैटरडे को होगा तो सैटरडे को क्यूज हो जाएगी, क्वेश्चन आया राउंड हो जाएगा, जो भी हम लोग एक दूसरे से पूछते हैं, समझाते हैं, जितने भी चैप्टर अभी हम लोगों ने पढ़े हैं उसके बारे में। और अदरवाइज सर आपको बता देंगे, जो भी हम लोग का डिसीजन होगा हम आपको बता देंगे। एक और बात बोलनी थी, देयर आर द लॉट्स ऑफ मेंबर हु हैव नॉट पेइंग एनी सिंगल अमाउंट, सो यू हैव रिक्वेस्टेड टू काइंडली पे दैट अमाउंट। ठीक है, हम लोगों का भी अपना काम होता है, और हम अगर आपको पढ़ा रहे, अपना टाइम दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यू शुड मस्ट बी केयरफुल अबाउट अस, हम लोगों के बारे में आप लोगों को जरूर सोचना चाहिए। ठीक है, और सर ने आपको बोल दिया है, बार बार ये सेंटेंस हम रिपीट नहीं करना चाहते, अच्छा नहीं लगता है। आप सभी समझदार हो, ग्रेजुएशन आपने कर लिया है, तो आप लोगों को इतना होना चाहिए, क्योंकि हमारा भी डाटा लगता है, टाइम लगता है, और हमारा भी दिमाग लगता है। अदरवाइज एनी वन हु डजंट वांट टू पे एनी फीस, सो यू कैन लीव दैट ग्रुप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों के पास। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, ये शरीर में गति के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ओके, एक्सक्यूज मी वन मिनट, रुको वन मिनट बेटा।
जल्दी आ जाना, और कभी कभी डाउट होने लगता है। मैंने ऑफ कर दिया माइक। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे शरीर में गति के बारे में। तो यहाँ पे आपको ये समझाया जाएगा कि शरीर में गति कैसे होती है। शरीर में गति का मतलब होगा, ये पार्ट सिर्फ हमारे बॉडी पार्ट को रिलेट नहीं करेगा, ये पार्ट हमारे साथ साथ प्लांट्स एनिमल्स के बारे में भी रिलेट करेगा। आखिर हम सभी कैसे मूवमेंट करते, मूवमेंट इंग्लिश वर्ड है ना, गति का इंग्लिश टर्म है, इतना समझ जाना। बॉडी तो इट मीन्स ये सिंगल है, शरीर है तो आप लोग के पास है, समझ जाओगे। बिल्कुल शांत होकर बैठे तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए। जब आप शांत होकर बैठते हैं तो भी हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसे मूवमेंट है जो स्वतः चलते रहते हैं। स्वतः इट मीन्स दे आर रेगुलरली मूविंग इन आवर बॉडी, क्योंकि उनको हम नहीं चलाते होते हैं, वो हमारे अंदर खुद चल रहे होते हैं। कुछ ऐसी गतियाँ होती हैं, आप जब बैठोगे फील करोगे तो आप पता चल जाएगा आपको। जैसे अगर सपोज डेट मैं बैठूँ, थोड़े देर शांत होकर बैठूँ कि चलो मुझे पीस चाहिए, मैं आराम से बैठी हूँ, तो उस समय हम पहले सबसे पहले अगर अपना ध्यान लगाएं तो देखेंगे कि हमारे अंदर सांस चल रही है, वो गति हो रही है, वो मूवमेंट हो रहा है, हम बैठे नहीं हैं। फिर जब एक सेकेंड एग्जाम्पल ले लो, ऐसे समझो, पहला एग्जाम्पल मैंने बताया अपने सांस का, इट मीन्स कहीं ना कहीं हम अगर शांत भी बैठे हैं तो हमारा जो लंग्स है वो फंक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, जब आप सोए भी रहते हो तो हमारा जो हार्ट है, जो हमारा हृदय है, दिल है, वो काम करता रहता है, हट कभी नहीं सोता, कभी नहीं आराम करता है, ठीक है। उसी तरह हमारे मस्तिष्क जो है वो रेगुलर मूवमेंट करते रहते हैं, वो कभी शांत नहीं बैठे, वो कभी आराम नहीं करते हैं, ठीक है। दे आर द थ्री एग्जाम्पल्स। अब किसी को डाउट होगा तो मेरे से पूछना, क्योंकि हम तो पूछेंगे ही क्वेश्चन आया राउंड में, और इस बार जो लोग अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देंगे वो लोगों को हम लोग निकाल देंगे फिर, क्योंकि पढ़ना है साथ साथ याद भी करनी है चीजें। बिल्कुल शांत होकर बैठिए और अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए। अब समय समय पर अपनी पलके तो झपकाते ही होंगे। जब आप शांत होकर भी बैठते हो तो हमारे पलके जो है ना मूवमेंट करती रहती है, हमारी जो आँख के ऊपर का जो पलक होता है, इतना तो सबको पता होगा, वो मूवमेंट करती रहती है या खुद से भी झपक जाते हैं कई बार, और हम ऐसे भी उसको अपनी इच्छा के अनुसार भी मूवमेंट करा सकते हैं। श्वास लेते समय शरीर में होने वाली गति, जैसे अभी समझाया, हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक प्रकार की गतियां होती हैं, अभी तो बता ही दिया। जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब भी हमारा कुछ ना कुछ पार्ट जो है, बॉडी पार्ट, वो मूवमेंट करता रहता है। जब लिखते हैं तो हाथ मूवमेंट करता है, ठीक है, कहीं ना कहीं उस समय दिमाग में भी हमारे मूवमेंट होता रहता है, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू राइट डाउन एनी सिंगल वर्ड। हम कोशिश करते रहते हैं कि वहाँ पे अपने सेंटेंस को, अपने वर्ड को वहाँ पे लिखते जाए। दैट टाइम हमारा हाथ के साथ साथ माइंड भी और आंखें भी तो काम करती है ना। जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तो हमारे बॉडी का पार्ट मूवमेंट करता है। जब उपयुक्त सभी एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम एक स्थान पर रहते हैं तो भी हमारे शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तभी हमारा बॉडी पार्ट गति करता है, ठीक है। आप उठकर अपने टीचर के पास जाते हैं, कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं, अथवा विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं, तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चलकर जाते हैं, या आप चलकर जाते हैं, या दौड़कर जाते हैं, या कूद कर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक इन्हीं क्रियाओं के थ्रू आप जाते हैं। क्रियाओं का इट मीन्स इन्हीं प्रोसेस के द्वारा, इन्हीं काम के द्वारा आप जाते हैं। आइए अपने मित्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों से चर्चा करके सारणी 5.1 भरते हुए यह देखते हैं। एक मिनट बेटा, यह देखते हैं कि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करते हैं। गमन का मतलब होता है जाना, चलना। तो यहाँ पे 5.1 है, इसमें बताया गया है कि जंतु कैसे जाते हैं, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। गाय कैसे जाती है, जैसे जैसे मैं बोलती जाऊं आप क्या करना, आप सभी रिप्लाई करते जाना। गाय कैसे जाती है बेटा, पैर से। पैर से गमन करने में, इसके पैर, इस वाले पार्ट में आपको पैर भरने हैं क्योंकि यहाँ अंग का नाम लिखना है। तो गाय पैर से जाती कैसे, तो चल के जाती है। ठीक उसी तरह से सेकंड एग्जांपल बताना, मनुष्य, मनुष्य के बाद इस पार्ट में क्या आएगा,
पैरों से मैम, पैर इसमें पैर से जाती है, पैर से मनुष्य चलते हैं मैम। इसमें इसमें क्या होगा, इसमें क्या क्या होगा? मनुष्य पैर होगा, जंतु पूरी बॉडी होगी मैम। चलकर मैम, चलकर ध्यान से देखो बेटा, जंतु गमन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, गाय चलती है, मनुष्य भी चलते हैं। तो यहाँ पैर तो आपने सही लिखा, आप यहाँ पे चलती है, दौड़ते हैं, कूदते भी हैं, ये भी लिख सकते हो, ठीक है? हाँ, वही कहना है मेरा। सांप क्या करता है, अपने पूरे बॉडी पार्ट को यूज करता है, और क्या करता है? जल्दी बताओ बर्ड्स वाले में। पंखों से मैम, पंखों से उड़ता है, उड़ते हैं। ये कीट वाला पार्ट, यदि पैर से चलता है मैम, कीट के बाद पैर भी हो सकते हैं, पंख भी होते हैं, दोनों हाँ हाँ दोनों। आप कॉमा देके दोनों लिख लोगे और फिर यहाँ क्या भरोगे? चलकर और उड़कर, दोनों उड़कर और चलकर, ठीक है। इस वाले पार्ट में बताओ, मछली पंख से तैरती, अपने पंखों के सहारे मैम, पंखों के सहारे चलती है। उसके जो पंख होते हैं उसको फीन बोलते हैं, फीन फीन है। हाँ, तो वो क्या करती है? तैरती तैरती है मैम। हाँ, फीन होते हैं जो तैरने में उसको हेल्प करते हैं। और उसका प्लस ये पॉइंट है ना कि उसके बॉडी का जो डिजाइन है बेटा, ऐसा बनाया गया है कि वो जो है ना, वो तैर भी सकती है, चल भी सकती है। ऊपर वाले कुदरत ने उसको इस तरह से डिजाइन ही कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, जंतु जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करते हैं, ये हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझा। चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना, इसमें से कोई भी टर्म अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए। इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का कुछ ढंग है, ढंग का इट मीन्स तरीका है, वे है। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी विविधता, इतनी अधिक विविधता क्यों है? विविधता इट मीन्स इतना डिफरेंस क्यों है? क्यों ये सभी जो जानवर हैं इनमें अलग अलग तरीके से मूवमेंट हो रहा है? कोई रेंग रहा है तो कोई कूद रहा है, कोई चल रहा है तो कोई पंखों से अपनी उड़ रहा है ना। तो कुछ ऐसे हैं जो कि चलते हैं, है ना, सबका अलग अलग होता है। कंगारू को देखोगे तो छलांग लगाएगा, बंदर भी चलता भी है, छलांग भी लगाता है, बंदर दौड़ता भी है, इतना तो आप लोगों ने देखा होगा। क्या कारण है कि अनेक जंतु जो है ना चलते हैं जबकि सांप रेंगता है और मछली तैरती है, क्या कारण है? कारण क्या हो सकता है? ये हो सकता है इसका जो बॉडी का डिजाइन है इस तरीके से बनाया गया कि वो, जैसे सांप का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, सांप की जो बॉडी है वो रस्सी जैसी है, लंबी है, तो आप उसको फैला करके ही मूवमेंट करा सकते हैं, अदरवाइज कोई तरीका नहीं है। और बहुत तो होगा अपने बॉडी को वो जब गुस्सा करता है या जब उसमें कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं तो मोड़ लेता है और एक जगह पे फिन निकाल के बैठ जाता है, तो वो सब अलग बातें हैं। बट अगर जाने के लिए तो रेंगता है क्योंकि उसके पास हमारे जैसे बोन्स नहीं है जो उसको खड़े रहने में मदद करे, जो उसको दौड़ने में मदद करे। उसके पास उस कटीले कटीले बॉडी पार्ट होते जो सेक्शन में बटे होते। मछली देखा है ना, बहुत लोगों ने मछली खाया भी होता, मछली के अंदर जो कांटे होते हैं ना, कांटों की जैसा ही सांप में भी पूरा सेक्शन होता है, कांटे कांटे जैसा, जो उसको उसको चलने में मदद करता है, उसको रेंगने में, चलना इट मीन्स रेंगना में मदद करता है। समझ में आया? तो मैंने एक चैनल पे देखा था, पता नहीं बिल समथिंग नाम था, बिल समथिंग नाम है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए थे। तो वो तो जंगल जंगल से रिलेटेड शो करते हैं, तो मैंने देखा है कि कई बार वो बहुत सारी चीजों को खा जाते हैं जंगल में सरवाइव करने के लिए। तो एक दिन देखा सांप खाते हुए, तो सांप जब वो खाए तो उसके बॉडी का जो अंदर से कांटा निकला था, वो जो कांटा था बेटा सेम एज इट इज मछली के जैसा कांटा था, क्योंकि तो सांप में भी वैसे ही कांटे थे। समझ में आया? Yes, ध्यान से देखोगे ना तो आपको मछली और सांप का जो बॉडी है ऑलमोस्ट कभी कभी ऑब्जर्व करोगे लगेगा यार सेम ही है, ऐसा लगेगा।
बट उसको क्या है ना कि थोड़ा स्फेरिकल टाइप से ऐसे डिजाइन कर दिया है मछली को, उसकी माउथ बहुत प्यारे लगते हैं और उसका जो बॉडी है थोड़ा सा फैला है फिर पतला है, खूबसूरत डिजाइन है। बट सांप का एट द सेम टाइम उसकी बॉडी पूरी एकदम लंबाई में लंबी होती है, तो अलग अलग स्ट्रक्चर भले है बट थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आपको इसका स्किन देखने को ऐसे ही मिलेगा। बुझो जो है पौधों की गति को लेकर आश्चर्यचकित है। यह बुझो पौधों के बारे में इसलिए आश्चर्यचकित है कि सोच रहा है कि आखिर पौधे कैसे गति करते हैं, बिकॉज पौधों के पास ना पैर है ना तो हाथ है ना तो आंखें हैं ना कान है, तो आखिर उनमें गति कैसे होती है। बहुत अच्छी बात है कितना सोच रहा है। वह जानता है कि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते हैं, परंतु क्या वे किसी दूसरे प्रकार की गति को दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं? तो क्या पौधों को चलते हुए देखा है किसी ने? नहीं देखा। नहीं। हाँ, इवन जब बेटा हम लोग पानी डालते उसमें, तो पानी जैसे हम लोग क्या है ना ग्लास में लेके पानी पीते हैं, सब्जी पक्षियों को देखा होगा, जानवरों को देखा होगा पानी पीते हुए, गाय को भी हम लोग जब पानी देते हैं तो बाल्टी वगैरह में रख के पानी देते हैं, बर्ड्स को देखे होंगे तो भी वो पानी पीती है तो अपने चोंच से पानी पीती है। बट एट द सेम टाइम पौधों को हम लोगों ने पानी पीते देखा नहीं है, हम बस उसको डालते हैं, देन वी आर अंडरस्टूड डैट कि वो पानी को एब्जॉर्ब करती है अपने प्रोसेस के थ्रू, कंडक्शन के थ्रू, संवहन के थ्रू। इतना तो क्लियर है, इतना किसी को डाउट है? No, ma'am. हाँ, बहुत अच्छा। मानव शरीर एवं इसकी गतियां थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं, ज्यादा नहीं, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, बट हम बुझो का जो क्वेश्चन है जो थोड़ा ये सोच रहे हैं बेचारे, थोड़ा सा आप लोगों को भी समझा देते हैं। ठीक है कि पौधे चलते नहीं है, पौधे हमारी तरह पानी नहीं पीते हैं, बट उनको पानी का जो प्रोसेस है ऊपर जाता है, एक एग्जाम्पल से समझ जाओ कि वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। कैसे समझेंगे? जब एक पौधा सूख जाए उसमें थोड़ा उसके रूट में पानी डाल के देखो, थोड़ी देर के बाद पौधे में हरियाली आ जाएगी और उसके पार्ट ऐसे लगेंगे जैसे वो मुस्कुरा रहे हैं, पहले की अपेक्षा ज्यादा सुंदर दिखने लगेंगे, उनकी पत्तियों में जान आ जाएगा। पहले एग्जाम्पल से समझ गए। सेकेंड एग्जाम्पल ये क्या है ना, टच मी नॉट प्लांट देखा होगा, छुई मुई का पौधा, उसको जरा आप छू के देखो, वो तुरंत ऐसे लुढ़क जाएगी, जैसे लगेगा कि वो गुस्सा हो गई, ऐसा लगेगा, मुस्कुराने के बजाय वो लगेगा जैसे शर्मा गई, ऐसा लगेगा। टच मी नॉट का पौधा है क्या? छुई मुई का पौधा? यस मैम, देखिए छुई मुई का पौधा देखना, छुई मुई का पौधा जब देखोगे तो वो आप छूते ही ना वो थोड़ी पत्तियां जो ना झुक जाएगी जी, ऐसा क्यों होता है मैम? लेकिन ऐसा क्यों होता है? आगे पढ़ेंगे ना, आगे बताएंगे, यही तो बताना है ना। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि पत्तियों में मोशन नहीं होता, पत्तियों में क्या करना है कि हमें दिखता नहीं है, तो पत्तियों में भी गति होती है, क्यों गति होती है आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। दो एग्जाम्पल से आप लोग को इतना तो क्लियर है कि नहीं पत्तियों में भी गति होती है। थर्ड एग्जाम्पल जो आपको आंखों से ही दिखता है, वो गति क्या दिखती है आप लोग बताएंगे कि पत्तियों में पौधों में गति कैसे दिखती है और पूरी सबको दिखती है, वो आप लोग बताएंगे। आगे हम बढ़ते हैं, जल्दी बताएंगे, दो मिनट के अंदर हम पूछेंगे आपसे। नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर के माध्यम से पत्तियों में वो गति होती है जी, तो देखते हैं इसमें क्या 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 बोला आपने मैम? हवा के माध्यम से पत्तियों में गति होती है। हाँ ठीक है, हवा के माध्यम से वो हिलता डुलता है ना, ये आप कहना चाह रहे हो ना? ठीक है, ये तो अदर बात। ये भी हो सकता है मैम, जब पौधा जब छोटा होता है तो धीरे धीरे मतलब पत्तियों के साथ बढ़ता है, इसमें भी गति हो सकती है पत्तियों, ग्रो होता है मैम उसमें वो बढ़ता है डे बाय डे धीरे धीरे। ये किसने बताया फलक, आप बताए हो छोटा सा पौधा होता है फिर बड़ा होता है, किसने बताया? मैं बताई मैं। हाँ यही एग्जाम्पल मुझे सुनना था, एक्चुअल में मैं यही सुनना चाह रही थी कि थर्ड एग्जाम्पल जो है हम सभी रोज देखते हैं। अगर आप एक छोटा सा पौधा लगाते हो, अगर उसमें आप पानी आप डाल रहे हो, रेगुलर डाल रहे हो, सनलाइट में रख रहे हो, तो एक छोटा सा बेबी प्लांट होता है और सडनली तो एकदम आकाश में नहीं पहुंच जाता ना, फिर देखोगे छोटा रहेगा, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर एक दिन पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। It is showing that it has the motion, it has the गति, इसके पास गति है। ये प्रक्रिया जो है ना बढ़ने की प्रक्रिया गति ही कहलाती है। ठीक है, समझ में आया?
यही बेटा यही एग्जाम सुनना चाह रहे थे हम आपका लेसन आप लोगों को। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नेक्स्ट, जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखें। क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है? शरीर में विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ एवं पैर किस प्रकार की गति करते हैं? आइए हमारा शरीर जिन गतियों को करने के योग्य है उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करें। एक काल्पनिक विकेट लेना है, आपको मन में ही एब्जॉर्ब करना है, सोचना है, थिंक करना है कि आप विकेट ले रहे हो। विकेट लेते समय देखा होगा ना बॉलर को, पता नहीं कितने लोग क्रिकेट देखते हैं, मुझे नहीं पता बट मुझे पसंद है क्रिकेट देखना। ऐसे करके हाथों को घुमा करके ऐसे बॉल डालता है वो बॉलर, देखा है किसी ने? देखे हैं। ऑफ क्यों किए वो वीडियो, ऑन तो करो, कोई भी सुनता नहीं है बात क्यों? बहुत गंदी बात है, बहुत गंदी बात है। ठीक है, बता रहे हैं आपका मन। हाथ जब बॉलर बॉल डालते हैं तो अपने हाथ को ऐसे गोल घुमाते हुए सर्किल बनाते हुए फेंकता है बॉल को, डैट इज कॉल वो विकेट लेने का तरीका है उनका। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक काल्पनिक विकेट आपको लेना है। लेने के लिए पहले तो आप गेंद को फेंकोगे, फेंकने का जब आप प्रयास करते हो तो आपके हाथ जो है ना सर्कुलर मूवमेंट बनाते हैं, वृत्ताकार रूप में घुमाते हो अपने हाथ को। क्या आपका कंधा भी गति करता है? जब आप बॉल को घुमाओगे तो आपका जो कंधा है डैट इज कॉल्ड कंधा शोल्डर, ये आपका ये भी मूव करेगा। एक बार जरा सा नचा के दिखाओ सबको। यस मैम करेगा, नचा के दिखाओ। कोई नहीं चंद्रमोहन, आप ही दिखा दो बेटा, इन लोगों को ज्यादा शर्म आ रहा है, थोड़ा दिखाओ कैसे मूवमेंट करेगा। दिखाओ चंद्रमोहन। ठीक है भाई, आप ही लोग का चल रहा है। हेलो, हाँ हेलो, हाँ बेटा, हाँ मैम दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा क्या? हाँ ऐसे तो आपके शोल्डर भी मूव किए, वैसे ही बॉल फेंकते हैं ना, लेकिन आपको बॉल फेंकना है, आपको पूरा नहीं नचाना है, आपको बॉल फेंक के मैं को दिखाऊं बॉल कैसे आप डालोगे। डालो, हाँ हो गया, डैट इज कॉल्ड सर्कुलर मूवमेंट। उसमें सर्कुलर मूवमेंट हुआ और वो दिखाया कि आपका जो कंधा है वो भी वृत्ताकार तरीके में घूमता है। तो क्या आपके कंधे में भी गति हुई? तो हाँ हुई। पीठ के बल आप सब लेट जाओ अपने अपने रूम में जहां पे भी हो, और अपने पैर को कुल्हे के चारों ओर, कुल्हा का मतलब होता है आपके कमर के नीचे का जो ज्वाइंट पार्ट होता है डैट इज कॉल्ड कुल्हा, और पैर को उठाकर चारों ओर नचाने हैं, घुमाने हैं। तो ये इनमें से कोई मोटा तो मुझे दिखता नहीं है मेरे सिवाय, तो आप सभी घुमा सकते हो क्योंकि आप सभी मैम नहीं बेटा आप भी नहीं हो, देखा है मैंने ना, मैं हूँ मैम। हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो घुमा सकते हो अच्छा ठीक है। और वो जो आप घुमाओगे तो आपके पैरों में मूवमेंट होगा, कुल्हे के पार्ट से वो सारे पैर घूमने लगेंगे। इसी प्रकार पैरों को घुटने से मोड़िए, अपने घुटने से आपको पैर को मोड़ने हैं, बैठ करके ऐसे घुटने से मोड़ने हैं तो आप मोड़ लोगे। अपने हाथों को अपने सामने पूरा तानना है, पूरा फैलाना है, हाथ एकदम ऐसे सामने करते हुए सीधा तानना है, और भुजा को मोड़ते हुए अंगुलियों से कंधे को छूना, जैसे ऐसे हाथ फैलाए हैं तो ऐसे करके कंधे को छूना है अपनी उंगलियों से छूना है। तो ऐसा भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं ना। Yes, ma'am. आपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा? जब आप हाथ ऐसे करते हो और इसको मोड़ते हो तो कौन सा पार्ट मोड़े हो? इस वाले पार्ट को, तो अपर आर्म को तो आप नहीं मोड़े हो, नीचे का जो हैंड पार्ट है जो हथेलियों से जुड़ा है वो हमारा पार्ट मुड़ता है ना, और मुड़ करके वो हमारे शोल्डर को टच करता है, कंधे को टच करता है। ये पूछ रहा है कि कौन से पार्ट मुड़ते हैं, तो लोअर आर्म जो है ये नीचे वाला पार्ट ये मुड़ता है, ऊपर की कंधे का भाग एज इट इज जैसा था वैसा ही रहता है। नेक्स्ट है, हाथों को सीधा तानकर नीचे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए। हैंड को ऊपर रखना है और नीचे झुकना है, कमर उमर को मोड़े बिना, ये भी एक्सरसाइज का एक पार्ट है। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? हाँ कर पाते हैं, हम सभी कर लेते हैं। यस मैम। अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए। हर हिस्से से आपको क्या करने हैं, मूवमेंट कराने हैं।
जैसा 5.2 में नोट करना है वैसे ही करना है। क्या कारण है कि हमारे शरीर का जो कुछ अंग है या तो स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घूम सकता है, जैसे हाथ की बात करें, हाथ को किसी दिशा में घुमा सकते हो, सर्कुलर भी, आगे भी, पीछे भी, किसी को एक थप्पड़ भी मार सकते हो, है ना, उल्टा थप्पड़ भी मार सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, हैंड फ्री है क्योंकि हैंड हमारा। क्या कारण है कि कुछ अंग सभी दिशा में घूमते हैं और कुछ अंग फिक्स होते हैं, आगे दिया हुआ है इसी तरह का। 5.2 पहले देख लो, हमारे शरीर में गतियां इन, ये हम आप लोगों से अभी फील कराते हैं। एक मिनट बेटा, क्या कारण है कि कुछ पार्ट जो है ना हमारे बॉडी के किसी भी डायरेक्शन में घूम जाते हैं, वो स्वतंत्र हैं, जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हो। एक बात बताओ, क्या गर्दन को आप पीछे वाले डायरेक्शन में घुमा सकते हो, पीछे, अपने पीछे? नो नो मैम, वो तो यार पीछे नहीं जा सकते। दाएं बाएं हो सकती मतलब पीछे नहीं हो सकती, दाएं बाएं भी हो जाएगी, सीधे भी हो जाएगी, बस पीछे वाले डायरेक्शन में नहीं जाएगी, है ना। Yes, हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में क्यों अनेबल है, क्यों असमर्थ है कि हम उन पार्ट्स को नहीं घुमा सकते? क्या आप अपने पैर को घुमा के पीछे कर सकते हो? नहीं कर पाओ। बहुत तो आप उसको मोड़ सकते हो, है ना, मोड़ सकते हो, अदरवाइज घुमा नहीं सकते हो। कुछ पार्ट हमारे फिक्स हैं, ये कहने का मतलब है कि कुछ बॉडी के पार्ट जो है ना फिक्स है, इसी वजह से आप उनको किसी भी डायरेक्शन में नहीं घुमा सकते हो। वो जिस पोजीशन में है एज इट इज, उसी तरीके से वो उस पोजीशन में रह जाएंगे। बट कुछ पार्ट हमारे बॉडी के फ्री है, इंडिपेंडेंट है। जो आजाद आदमी होता है ना, जो आजाद होता है, वो देखोगे ना कहीं भी आएगा कहीं भी जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन अराइज नहीं करता है, चाहे वो कोई भी इंसान हो। तो इसी तरह हमारे बॉडी का जो पार्ट होता है, कुछ पार्ट ऐसा होता है जो फ्री है एकदम, उसको कोई टेंशन नहीं, कहीं भी आएगा कहीं भी जाएगा। बट कुछ पार्ट हमारे फिक्स होते हैं, जो जिनको अगर सिर्फ एक काम करना है, इट मीन्स वही काम करेगा। एक सर्जन, डॉक्टर में भी बहुत तरीके के डॉक्टर होते हैं। एक सर्जन होगा, सर्जन का काम होगा चीर फाड़ करके ऑपरेशन करना, वो वही करेगा, अदर काम नहीं करेगा। एक साइकोलॉजिस्ट होगा, वो आपसे बात करके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। एक फिजिशियन होगा, आपके बॉडी को, आपके बॉडी के सिस्टम को, सिम्टम्स को, यानी बॉडी में क्या चेंजेज हो रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज को देख के, आपके शरीर को, नेल को देख के आपके बीमारियों के बारे में तुरंत बता देगा, दवाइयाँ लिख देगा। तो डिफरेंट टाइप का जो ये जो सेक्शन है, वो डिफरेंट काइंड का काम करने के लिए बना हुआ है। उसी तरह हमारे बॉडी में अगर एक पार्ट का काम है, आँखों का काम है दिखना, तो देखने का ही काम करेगा, नाक का काम है सूंघना, तो सूंघने का ही काम करेगा, और सांस लेना यही काम है तो यही करेगा। बट दे आर द लॉट्स ऑफ पार्ट्स इन आवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी एज वेल एज इन द एनिमल्स, वो बहुत सारे काम को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिविटीज 1 पे चले आते हैं। नीचे वो सेक्शन जो आ रहा है मैं फिल करवाती हूँ। एक्टिविटीज 1 में क्या करना है, एक पैमाने को अपने हाथ से ऐसे ही एक पैमाना ले लेना है, स्केल ले लो, या लकड़ी का स्केल भी हो सकता है या किसी मेटल का, मतलब लोहे का भी, उसको इस तरीके से बांधना है। और इस तरीके से सेम दो पार बांध करके, पहले तो आपके हाथ मुड़ रहे होंगे, अगर मैंने ऐसे हाथ फैलाया, मैं यहाँ से अपने हाथ को ऐसे मोड़ ले रही हूँ, बाइंड अप हो रहा है, ये है ना, मूवमेंट हो रहा है ना, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ जी, बट अगर जैसे इन्होंने यहाँ पे बांध रखा है, अगर मैं वैसे बांध दूँ तो क्या मैं अपने हाथों को मोड़ पाऊंगी? नहीं मैम, बिकॉज इसका कारण क्या है कि नीचे से आपने इसको बांध करके फिक्स कर दिया है, आपने उसको एक पोजीशन दे दिया है कि नहीं बेटा तुम ऐसे रहोगे, इट मीन्स ऐसे ही रहोगे। एक और एग्जांपल ले लो, किसी किसी का हाथ या पैर टूट जाता है, जब उस पर प्लास्टर वगैरह होता है तो बहुत दिन तक उसको हैंड को ऐसे ही रखना पड़ता है उसी पोजीशन में, या बहुत लोगों का पैर अगर फ्रैक्चर हुआ होगा, देखोगे लंबाई में उसको फैला के ही बहुत दिन तक बेड पे उसी तरह लेंथ में फैला के वो पैर को रखते हैं, इट मीन्स उसको फिक्स किया गया है।
ठीक है, इसी तरह यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। ये जो एक्टिविटीज है ये हम आप लोग से करवाते हैं, आप बताएंगे और जल्दी जल्दी सारे सेक्शन में भरते जाएंगे। जिससे बोलो, जिसका नाम रिकॉल करूं उन्हीं को करना है, अदरवाइज अवॉइड इट। ठीक है, सारणी 5.2 में हमारे शरीर में गतियां, ठीक है, हमारे शरीर में क्या क्या गतियां होती है, शरीर के भाग है, क्या पूरी तरीके से घूमता है, घूमता है तो हाँ लिखेंगे, नहीं घूमता है तो ना लिखेंगे। अंशता का मतलब थोड़ा सा घूमता है, थोड़ा सा मुड़ता है तो हाँ, तो भी हाँ या ना लिखते जाओगे। झुकता है तो भी बताओगे, उठता है तो भी बताओगे, अगर कोई भी मूवमेंट नहीं होता है तो भी बताओगे। पहले गर्दन के बारे में चंद्रमोहन आप बताओ, यहाँ पे क्या भरोगे? मैम ये तो पूर्णतः घूमता नहीं है, इसमें पूर्णतः में नहीं होगा मैम, अस्तम हाँ। में यहाँ क्या भरोगे, नो या यस? नो। ठीक है, बहुत अच्छा, यहाँ तो ये भरा है, चलो ठीक है। यहाँ पे झुकता है जी, इसमें हाँ भरेंगे। यहाँ पे जी झुकता में हाँ भरेंगे। उठता भी है और झुकता भी है, उठता भी तो है जी, दोनों में हाँ भरेंगे। यहाँ पे गति बिल्कुल नहीं करते हैं, नहीं इसमें नहीं भरेंगे, ये तो गति तो करते ही है मैम, आगे पीछे लेफ्ट। बहुत अच्छा, कीप इट अप। नेक्स्ट बताओ फलक, इसमें क्या भरोगे, जल्दी हरी आप। मैम ये पूर्णतः घूमता है, कलाई। ठीक है, इसमें ये भी हाँ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हाँ ये भी रहेगा मैम। ये जल्दी जल्दी बोलो। हाँ ठीक है, ये यहाँ पे इसमें नहीं। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल से इतना तो समझ में आ गया होगा कि हम क्या भरेंगे वहाँ पे। तो ये बच्चों वाला काम है, ये कराना नहीं है, बस हम समझना चाह रहे थे आप लोग समझे कि नहीं समझे। और एट द टाइम अगर दे दिया जाए फिल करने के लिए तो आप क्या करते हैं? क्या आपने ध्यान दिया है कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से होते हैं और दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जाहिर सी बात है, मैं अगर इसको मोड़ पा रही हूँ, मेरे हाथ को देखो, यहाँ अगर मेरा हैंड अगर मुड़ेगा बेटा तो इसी पार्ट से मुड़ेगा जहाँ पे इसकी ज्वाइनिंग है, ज्वाइंट्स है, ये इसी पार्ट से ये मुड़ेगा, सही है ना? जी मैम। यस मैम, यस मैम। अपनी कलाइयों को मैं मोड़ रही हूँ तो इस ये वाला जो ज्वाइंट पार्ट है यहीं से मैं इसको ऊपर नीचे ऐसे कर पा रही हूँ या चारों डायरेक्शन में घुमा पा रही हूँ इसी पार्ट से। क्या यहाँ से इसको घुमा सकती हूँ? घूमेगा बट उस तरीके से नहीं घूमेगा, यहीं से ये मुड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। फिर अपनी उंगलियों को देखो, उंगलियों में भी आप वहीं से इसको घुमा लोगे जहां पे जॉइंट्स, बहुत सारी हमारी जो उंगलियां हैं वो तीन सेक्शन में एक दूसरे से ज्वाइंट होती है, अपर मिडल और लोअर वाला, तीन सेक्शन होते हैं। थोड़ा ध्यान से छू करके देखना, तीन हड्डियां होती है, अगर उनको चाहोगे ऐसे बनाना वो बन जाएंगे। इट मीन्स कि देखो ये नीचे आ गया, ये अपर पार्ट, मिडिल वाला पार्ट थोड़ा मुड़ा है, लोअर पार्ट पूरा ऐसे खड़ा है ना, इसी तरीके से समझना है हमें। तो जो पार्ट यहाँ पे दो बोन्स आपस में जुड़े होते हैं डैट इज कॉल्ड ज्वाइंट्स, उसको इंग्लिश में ज्वाइंट बोलेंगे और हिंदी में संधि बोलेंगे। संधि का मतलब होता है मिल, एक दूसरे में मिला हुआ। ठीक है, विभिन्न भागों को जहां से मुड़े, उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन। क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हो जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं? नहीं बता सकते? बता सकते, हमारे पैर में भी देख लो, घुटने का पार्ट, घुटना, हाँ जी घुटने से ये जुड़ा हुआ है तो आप बता सकते हो। नीचे वाले पार्ट को देखना, पैर, पैर जो कि चलने का काम करता है, वो भी ऊपर नीचे आपका मूव हो रहा होगा क्योंकि नीचे में वो जुड़ा हुआ है, जहाँ पे एरी होती है ना ऊपर वाले पार्ट में, एरी ऊपर का पार्ट जहाँ पे पायल पहनते हैं, वहां से देखना, वहां से ज्वाइंट उसकी जुड़ी हुई है। तो ये जहाँ पे दो बोन्स, दो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं उनको संधि बोलते हैं, जहाँ पे दो बोन्स आपस में मिलते हैं उनको ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है, यदि हमारे शरीर में कोई भी संधि नहीं होती तो आपके विचार में क्या हमारे शरीर के लिए किसी भी प्रकार का गति करना संभव होता? नहीं होता, नहीं मैम, तो ज्वाइंट्स होने जरूरी है। वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है? कोई जब दो बोन आपस में मिलते हैं ना तो देयर इज द समथिंग, कुछ ऐसा होता है जो दोनों को जोड़ के रखता है।
एक एग्जांपल देती हूँ, गोंद देखा है किसी ने, गम देखा है, फेविकोल देखा है? जब एक पेपर होगा जो आप फॉर्म भरते हो, अपना फॉर्म भरा होगा ना, नॉमिनेशन फॉर्म, वोटर आईडी कार्ड, इस टाइप का बहुत सारा फॉर्म आपने भरा होगा, बैंक का फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म भरे होंगे, एग्जामिनेशन के फॉर्म, वहां पे अगर आपने ऑफलाइन भरा है तो एक पेपर शीट पे फॉर्म भरे हो तो वहां पे आपको अपना फोटो पेस्ट करना होता है। जब आप फोटो पेस्ट करते हो उसके पीछे में गम लगाते हो, फिर आप चिपकाते हो, चिपकाते हो ना, चिपकाने के बाद उस पर क्या होता है ना, वो चिपक चिपकाने के बाद हाँ पेपर पे चिपका रहता है, वो अच्छे से उस पर अटैच हो जाता है। यहाँ तक समझ में आया? जी मैम। यस मैम। जी मैम। इसी तरह हमारे बॉडी में जब दो बोन्स को आपस में हमें चिपकाना होता है, अटैच होता है वो, तो वहां पे गम टाइप का एक सब्टांस काम करता है, जिसको लिगामेंट बोलते, आगे आएगा ये टर्म, वो आपस में उनको जोड़ के रखने का काम करता है। दो बोन्स के बीच में वो चिपका हुआ ऐसे सब्टांस होता है। कैसे समझाएं आपको, रुकिए बताते हैं। जैसे मान लो ये सर का पर्स है, इसी को मान लो लिगामेंट, और दोनों साइड से ऐसे बोन चिपके होते हैं एक दूसरे से, जब दोनों मूवमेंट करते हैं इसी के वजह से ये आसानी से ऊपर नीचे करता है और ये भी मूवमेंट करता रहता है, ये लिगामेंट का काम करता है बीच में। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, एक फिर आगे चलते हैं। ये पूछ रहे कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों बोन्स को आपस में बांध के रखती है, तो आगे पढ़ेंगे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट है जो हमारे बोन्स को बांध के रखता है। अपनी अंगुली द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, उंगलियों तथा मतलब पैर की उंगलियों को दबाइए। अपने हाथ, अपनी उंगली से क्या करना है, इन सब चीजों को, सर को, गर्दन को, नाक को, नाक को, कंधे के पीछे भाग को, ये सबको दबाना है। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी उंगली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? जाहिर सी बात है वहां पे बोन है, इसका मतलब उन बोन को दबा रही है। अब आप दबा के देखो ना अपने उंगलियों से, नाक के कुछ पार्ट में आपको दिखेगा, कुछ आपको दिखेगा हार्ड टाइप का। ये जिस वस्तुओं को दबा रही है ये कठोर संरचनाएं ही अस्थियां हैं। जिन पार्ट को दबा पा रहे हैं डाटे, ये जो है ना बोन्स है। आप अपनी उंगलियों से हाँ अपने सर को छू के देखो ना, वो आपको कठोर लगेगा, वो क्या है, हड्डी है, बोन है, ठीक है। अस्थियां बोलते हैं, शुद्ध हिंदी सुन लो, ऐसे हड्डी बोलते हैं, बोन्स बोलते हैं। अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रकार की प्रक्रिया को दोहराएं। इतनी सारी अस्थियां हमारे बॉडी में है, इतने सारे बोन्स हैं। जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता, तब हम अपनी जब इतने सारे बोन्स को हम नहीं मोड़ सकते हैं, नाक के बोन्स को हम नहीं मोड़ पाते हैं, शरीर के बोन्स को नहीं मोड़ पाते हैं, है ना, पैर के बोन्स को नहीं मोड़ पाओगे, जहां से अटैच होगा वहां की बात नहीं हो रही है, नहीं मोड़ पाओगे, तो क्या आखिर ऐसी चीज है जो हमारे कोहनी को मोड़ने में हमें हेल्प कर रही है? क्यों मोड़ रहा है हमारी हाथ की कोहनियां? हाथ के ऊपरी सिरे से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती है। ये समझा रहे हैं, जैसे मैंने बोला ये हमारा जो ये वन हैंड है ये तीन सेक्शन में बटा है, अपर आर्म, ये लोअर आर्म और ये कलाई का पार्ट, दे आर द थ्री टाइप्स ऑफ बोन। ये पूरा ऊपर का पार्ट है, यहाँ बीच से जुड़ा हुआ है, सबके पास होगा, जिसको कोहनी बोलते हैं, यहाँ कोहनी वाला पार्ट होता है, और ये सेकेंड पार्ट होता है, और ये थर्ड पार्ट में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। ये जो हाथ की कलाई अगर आप लोगों को दिख रही है ना, हाथ में इस कलाई में भी बेटा बहुत सारे बोन है। इस पार्ट को मैंने छोड़ दिया, हाथ वाले पार्ट को छोड़ दिया है, इसमें भी बहुत सारे बोन्स हैं। 1 2 देयर आर द फाइव फिंगर्स एंड द फाइव इज फिंगर्स कंटेनिंग देयर द लॉट्स ऑफ बोन्स। एक फिंगर में भी बहुत सारे बोन है, मतलब एटलीस्ट मोर देन वन तो है, तो इसी वजह से हाथ की बात नहीं कर रहे, बट एक हाथ की बात कर रहा था, तीन सेक्शन में बटा हुआ है। तो हमारा एक हाथ कितने सेक्शन में बटा होता है, तीन सेक्शन में बटा हुआ है। तो यहाँ पे बोल हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती है, पूरा एक पार्ट नहीं होता है। एक में बच्चा रुक जाओ, एक्चुअली हमारे यहाँ से लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। एम ई ओ K
क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ है कि हमारे हाथ में यानी हमारे एक हाथ में एक लंबी बोन नहीं है, वास्तव में अनेक प्रकार की अस्थियां जो है ना कोहनी तक जुड़ी हुई हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक प्रकार की अस्थियां हैं, अस्थियां मतलब बोन्स हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहाँ से ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं। जिस स्थान पे ये बोन जुड़ी होती है उस वाले पार्ट से आप उसको हिला नहीं पाते हो। ये आपका कोहनी जो है ना, आप उसको टर्न यहाँ वाले पार्ट से जहाँ जुड़ी हुई है वहां से आप तो हिला मिला सकते हो, उसको घुमा सकते हो, बट जहाँ ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती है उस अस्थि को, उस बोन्स को नहीं हिला मिला सकते हो। जैसे कि ये वाला जो पार्ट है, अगर ये दोनों बोन को जोड़ रहा है, इस बोन को जोड़ रहा है और इस बोन को जोड़ रहा है, तो ये पार्ट जो है ना बेटा इधर उधर नहीं होता, वो घूमता नहीं है, वो फिक्स किए रहता है। ठीक है, वो फिक्स किए रहता है और ये हिलता है, ये हिलता है ना, ये एज इट इज फिक्स ही पोजिशन में रहता है। आगे पढ़ना समझ में आएगा, दिक्कत होगी पूछना। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर नहीं हिला डुला सकते जहाँ ये अस्थियाँ एक दूसरे से मिलती हैं। इसका कारण होता है कि लिगामेंट वहाँ पे होता है और लिगामेंट एज लाइक अ गम वो चिपक जाता है। समझाने का ये है कि वहाँ पे किस तरीके का काम करता है, एज लाइक अ फेविकॉल। विभिन्न जब फेविकॉल एक बार चिपक जाएगा एग्जाम्पल के तौर पर, तो क्या फेविकॉल वापस उसी फॉर्म में आएगा? नहीं मैम। हाँ, तो चिपका है उसी फॉर्म में वो रह जाएगा, बट यहाँ कंडीशन ये है कि पेपर को और आप अपने फोटो को अलग तो कर लेते हो। जैसे बॉडी पार्ट में जहाँ पे लिगामेंट है, जहाँ पे फेविकॉल है, उस फेविकॉल को आप वापस कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि वो एक दूसरे को फिक्स किया हुआ है, बट आप दोनों बोन्स को हिला डुला सकते हो, इधर उधर घुमा सकते हो। विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार के बोन्स ज्वाइंट्स होते हैं। बहुत तरीके का आप फंक्शन करते हैं, बहुत तरीके का आपके बॉडी में मूवमेंट होता है। अप करो अपने गर्दन को, नीचे झुकाओ अपने हाथ को, चाहे जिस तरह से यूज करो अपने पैरों को, जिस तरह से अपने कमर को, बट जैसा हम काम करते हो उसी तरीके का ज्वाइंट भी वहां पे होता है। ज्वाइंट्स का मतलब संधि, जो दोनों को जोड़ के रखता है, उसी तरीके का ज्वाइंट वहां पे बना होता है जो हमें उसी के हिसाब से काम को परफॉर्म करने में, मूवमेंट करने में हेल्प करता है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। डिफरेंट काइंड्स के हमारे बॉडी में संधि होते हैं। एक पहले एक दूसरी जो एक्टिविटीज है वो ध्यान से देख लीजिए। कागज की एक पट्टी को एक बेलन पे, कागज की एक पट्टी को लेना है एक बेलन पे, सिलेंडर के रूप में मोड़िए। जैसे आप सिलेंडर के रूप में मोड़ते हुए देखे हो किसी को, जैसे ये कागज है मान लो, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, आप इसको सिलेंडर फॉर्म में मोड़ना है, ऐसे करके मोड़ लो। नहीं दिख रहा है मैम। ओ सॉरी बेटा, एक्चुअली वीडियो ऑफ है, रुक जाइए अब मैं बता रही हूँ, एक मिनट। जैसे ये कागज है मान लो, ये पूरी पूरी मैंने एक कागज ले रखी है, इसको आप सिलेंड्रिकल फॉर्म में आपको मोड़ना है, सिलेंडर जैसा होता है उस तरीके से, ये लंबा हो जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे देख रहे हो। ये तो मैंने पूरी कॉपी मोड़ दी। यस मैम। एक पेज में मोड़ो एज इट इज, इसी तरीके से ये मुड़ेगा, इसी तरीके से। उसी तरीके से मोड़ दीजिए। रबर अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में, रबर या प्लास्टिक का कोई पुराना एक गेंद ले लो, गेंद में एक छेद करके किसी के निरीक्षण में, किसी मतलब निरीक्षण इसलिए बोल रहे हैं ना कि जैसे बच्चे करते हैं ना, ताकि उनको पीन या सुई वगैरह नहीं चुभ जाए। एक प्लास्टिक की पुरानी गेंद लेकर के उसमें एक छेद कर देना है, उसमें मोरे हुए कागज के बेलन को डालिए। छेद करने के बाद उसमें जो आपने कागज का बेलन बनाया है उसको उसमें डाल देना है, जैसा कि 5.2 में दिखाया गया है, देखते हैं पता चलेगा। अब कागज के बेलन जो हमने बनाए थे, जैसा मैंने बनाया कागज का बेलन, वैसे क्या करना है ये आपकी पुरानी सी गेंद है और गेंद के बीच में से छेद कर दिया आपने, छेद पर से आपने कागज को घुसा दिया। ठीक है, उस ये जो सिलेंड्रिकल मैंने कागज बनाया था ये है और ये है आपकी गेंद। उसमें से क्या करना है, गेंद डैश को, डैश नीचे क्या था टर्म लिखा हुआ, आई थिंक
आप कागज के बेलन बेलन को क्या करना है, कागज के बेलन को गेंद पे चिपका देना है, जैसे यहाँ पे चिपकाया गया, फेविकोल से चिपका देना, चिपका सकते हैं। गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। ये कटोरी है, अब इस गेंद को आप घुमा सकते हो कि नहीं घुमा सकते हो, क्योंकि गेंद जो है बच्चा फिक्स नहीं है, अंदर में गेंद घूम सकता है कि नहीं घूम सकता है, बताओ। घूम सकता है मैम जी, क्या बोले? बोल रही घूम सकता है। हाँ, उसमें गेंद को एक छोटी सी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? क्या कागज का बेलन भी घूमता है? देखते हैं। कागज का गेलन तो आपने चिपका दिया है बेटा, तो कैसे घूमेगा? थोड़ा दिमाग लगाओ, आगे देखो, नीचे आ जाओ। अब कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन आपका हाथ है, थोड़ा सोच के देखना कि कागज का बेलन जो है आपका हाथ है, तथा गेंद जो है ना इसका सिरा है, गेंद इसका किनारा है, आपके हाथ का किनारा है वो गेंद, आपके हाथ का किनारा है गेंद, और बेलन आपका हाथ है और गेंद उसका किनारा है, एक सिरा है। कटोरी जो है ना कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। ये जो कंधा है हमारा शोल्डर, ये कटोरी का काम कर रहा है यहाँ पे, और ये गेंद जिससे हमारा हाथ फिक्स है वो एक सिरे का काम कर रहा है। देखिए, जिससे आपका हाथ जुड़ा है, एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ है। इसी तरीके से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है बॉडी में एज इट इज जिसमें ये जाके फिक्स है, तो उसको क्या करता है, ऐसे घुमाने का प्रयास करता है, तो हेल्प करता है क्योंकि हम उसको घुमा सकते हैं। यही यहाँ पे समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि उसी तरीके से यहाँ पे कटोरी जैसा शेप है जिसमें ये हाथ फंसा हुआ है और वो घूमने का प्रयास कर रहा है ना, उस तरीके से। नेक्स्ट, यहाँ पे कटोरी रूपी गुहिका में, गुहिका का मतलब होता है एक छोटा सा चेम्बर टाइप का समझ लो, एक छोटा सा स्पेस बोल दो, उसी स्पेस में वो धंसा हुआ है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है, जैसा हमारा हाथ का जो शोल्डर है, जैसे हम इसको टर्न करते हैं, देयर इज द काइंड ऑफ कटोरी, आपके शोल्डर में इस तरह की कटोरी है और गेंद है जिसपे आपका हाथ फिक्स है। ये पूरा पार्ट एज इट इज टर्न तभी होगा, ये वाला पार्ट, कुछ पार्ट ऐसे फिक्स है बोन्स के पास जहां से आपको मूवमेंट नहीं हो पाएगा, ज्वाइंट के पास से हो पाएगा, बट ऊपर वाले पार्ट से तभी हो रहा है जब वो कटोरी में धसी हुई है। इस प्रकार की गति सभी दिशाओं में गति प्रकार प्रदान करती है। इस प्रकार की संधि जो होती है, ज्वाइंट्स जो होती है, संधि को ज्वाइंट कहते हैं। क्या आप इन गतियों में उपरोक्त प्रकार की संधि का कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं? जैसे आपको खोजना क्या है, ये श्रेणी संधि है। श्रेणी संधि का मतलब होता है वहां पे दूसरा इस तरह का पार्ट भी जुड़ा होगा। ये कंदुक खलिका संधि, कंदुक मतलब हो गया गेंद, गेंद के जैसा एक पार्ट होता है जिसमें ये बोन धसी हुई है। हमारे जांग की हड्डी है और जांग के पास जो है ना इस तरीके का एक स्ट्रक्चर वाला बॉल जैसा बोन है जिसमें हमारे लेग का पार्ट इसलिए फैल जाता है और इसलिए किसी भी डायरेक्शन में थोड़ा आप पैरों के बीच में लंबा स्पेस बनाने का कोशिश करोगे तो भी बन जाएगा, अपने पैरों को फैला के छोटा स्पेस भी बनाओगे स्टेप कम वाला भी तो भी बन जाएगा। जैसे एक लोग कैसे दौड़ते हैं, कैसे कोई स्पोर्ट्समैन दौड़ता है, दौड़ने का मेन दौड़ता है तो एक पैर जितना आगे जाता है दूसरा पैर भी उतना आगे जाता है। यही कारण है कि यहाँ पे इस तरह का फ्लेक्सिबल ज्वाइंट्स लगाया गया है, कटोरी जैसा है, जो इसको दौड़ने में और फैलाने में मदद करता है। क्या इस तरह का कोई एग्जाम्पल और मिलेगा? इस अनुभाग के प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा दी गई गतियों का स्मरण कीजिए। दिमाग में लाने हैं आपको धुराग्र संधि, इसका पूरा मेरे को इंग्लिश टर्म याद नहीं है, याद आएगा तो बता देंगे, अदरवाइज आप नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इसको कि धुराग्र संधि क्या बोलते हैं, मेरे को अभी नहीं याद है। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली जो संधि है उसको धुराग्र संधि, गर्दन और सिर को, मैं पूछूं अगर कभी भी नेक्स्ट क्लास में कि धुराग्र संधि किसे कहते हैं तो बोलना गर्दन और सिर को, हमारे सर का सर इसी को बोलेंगे, और गर्दन का पार्ट, ये पूरे गर्दन का पार्ट, ये जहाँ पे जुड़ा होता है उस जोड़ने वाली संधि को, उस जोड़ने वाली बोन को, ज्वाइंट्स को धुराग्र संधि बोलते हैं। क्योंकि
इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं एवं बागे बाएं घुमा आगे पीछे कर सकते हैं, सिर को आगे पीछे थोड़ा सा टर्न कर सकते हैं, पूरी तरीके से नहीं घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास करना है आपको। यह गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है जिसमें कंदुक खलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में, क्या हमारा जो ये गर्दन है पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घूम सकता है? थोड़ा दिमाग लगाना, क्योंकि आप नहीं हो तो मैम आप पूरा वृत्ताकार जी बोलिए पूरा वृत्ताकार रूप में ना घूम करके आगे पीछे दाएं बाएं इस तरीके से घूम सकता है, इस वे में घूमेगा। धुराग्र संधि में क्या है ना, एक्चुअली में बेलनाकार अस्थि का एक छल्ली है जो आपके जो आपका जो बीच वाला बॉडी के पीछे में एक बीच में ज्वाइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, मेरु रज्जु बोलते हैं ना, यस मैम, रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, बॉडी के पीछे में एक बीच होती है स्पाइनल कॉर्ड, बहुत अच्छा। उसी तरीके से जो ये पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड से ही पूरी तरीके से वो रिलेटेड होता है, यही सुनना है। उसी तरीके से छल्ले के रूप में स्पाइनल बोर्ड का जो स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, इसी तरीके से बोन्स का एक स्पाइरल फॉर्म है जो नीचे तक हमारे कुल्हों तक एटलीस्ट तुम छू के देखो थोड़ा ऑब्जर्व करो अपनी बॉडी को, पीछे वाला पार्ट वो कुल्हे तक गया है, वो आपका स्पाइनल कॉर्ड मूव करती करती, और वो ना सर्किल के फॉर्म में बेटा, कभी स्पाइनल कॉर्ड वाला इमेज अगर खोलो तो जैसे यहाँ पे भी बता रहे हैं ये महाशय कि हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में नहीं घुमा सकते, ये बेलनाकार संधि होती, बेलनाकार तो ठीक है बेलनाकार होता है लंबा होता है, बट वो सर्कुल फॉर्म में सर्किल की तरह घूमते घूमते नीचे तक है, छल्ले हैं उसमें बहुत सारे, चूड़ियां देखी है ना, चूड़ियों को अगर एक लंबे से चूड़ी वाले जो बॉक्स होती है ना उसमें अगर आप चूड़ी को रखो एज इट इज, उसी तरीके से ये पूरा बोन डिजाइन किया गया है जो आपके कुल्हे तक जाता है, दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड, और हिंदी में बोलते हैं मेरु रज्जु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कहीं किसी को चोट लग जाती है तो बहुत दिक्कत होती है। हिंज ज्वाइंट्स जो है, हिंज ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ करके यहां तक कंक्लूड करके आज हम छोड़ देंगे, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। हाँ नो मैम, यहां तक नो मैम। हाँ, हिंज संधि क्या होती है, हिंज ज्वाइंट क्या होता है, घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए, दरवाजे के पास देखोगे एक क्लिप लगी रहती है, पता नहीं आप लोगों ने देखा है, क्लिप लगी रहती है जिसको आप डोर ओपन करते हो क्लोज करते हो, ओपन करते बहुत सारे, बहुत अच्छा, और देखा हम सभी ने है बट कभी उतना एनालाइज नहीं करते, जब हम पढ़ते तभी हम उन चीजों को समझते हैं। और इसी तरीके से हमारे जो अलमीरा होता है, जो हमारा गोदरेज होता है उसको भी खोलोगे ना, उसी तरीके से वहां पे क्लिप लगी रहती है जो उसको आगे पीछे मूवमेंट यानी खोलने और बंद करने का काम करते हैं, उस जिसको हिंदी में कब्जा बोलते हैं, बहुत लोग कब्जा बोलते हैं, सुना होगा है ना? Yes, ये कब्जा आपको बड़े बड़े बक्सों में भी दिखने को मिलेगा, जिसको बक्सा आप ओपन करते हो बंद करते हो कब्जा लगा होता है, हम सभी अभी ने घर वाले भाषा में इसको समझते हैं। तो कब्जों को ध्यान से देखना है, या दरवाजे को आगे और पीछे पीछे की ओर खुलने देता है या खुलने में मदद करता है। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है क्या? हाँ हो गया। ये कौन? और सॉरी बेटा, एक्चुअली समवन इज कॉलिंग। तो ये पार्ट जो आपका देख रहे हो, इसी तरीके से कब्जे वाला पार्ट होता है, यहाँ पे लगे रहता है जो इसको ऊपर जाने में नीचे आने में पैर को थोड़ा देखना, आप लंबा कर सकते हो, नीचे झुका सकते हो, ऊपर लगा सकते हो, नीचे झुका सकते हो, पैर को अपने फैला सकते हो आप और टर्न कर सकते हो, पैर को फैलाओ टर्न करो, उसी तरीके से जो हिंज बोन है, हिंज ज्वाइंट्स काम करता है एज लाइक अ कब्जा, हमारे दरवाजों में जैसा कब्जा होता है, बक्सों में होता है। जो कुछ हमने बनाया था वह एक हिंज से भिन्न है पर थोड़ा क्वालिटी मिलता है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि हिंज एक ही दिशा में गति होने देता है।
अब जाहिर सी बात है बक्से में जो कब्जा लगा हुआ है वो उसको बंद और खोलने में ही मदद करेगा। एक दरवाजे में जो हिंज है रिलेट करो, वो आपको खोलने और बंद करने में मदद करे, अदरवाइज कोई काम में मदद करेगा क्या? नहीं करेगा। नहीं मैम। हिंज ज्वाइंट होता है कोहनी में, हिंज यानी कब्जा, हिंज ज्वाइंट होती है जिससे केवल आगे और पीछे की दिशा में ही गति हो सकती है। क्या आप ऐसी संधि, क्या आप ऐसी संधि के कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं? आपको दिमाग लगाना है। इसी तरीके का बहुत सारा ज्वाइंट होता है जो एज लाइक कब्जे की तरफ परफॉर्म करता है, ठीक है, जैसे कब्जा काम करता है। इस तरीके का एक दो और एग्जांपल अगर आप लोग को याद है तो बताइए, थोड़ा दिमाग। पोलियो वाला के पास होता है जी मैम, जो हाथ में होता है ना हथेली वाला, इसमें जो पार्ट होता है वो भी तो कब्जे की तरह होता है, उंगली भी होती है मैम। हाँ एकदम सही बोल रहे हो, या तो ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, पूरी तरीके से उसको पीछे नहीं ला सकते, पीछे लाने का अगर जहां आपने प्रयास किया ना वो टूट जाएगा, तो उसके कुछ डायरेक्शन फिक्स है, अप एंड डाउन। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाने का कोशिश करते हैं, ये चीज हमको बहुत अच्छा लगता है। कुछ बच्चे जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, तो ये चीज सही बात है। और कभी भी क्या करना है, जब कभी भी हम किसी भी चैप्टर को पढ़े, ऑलवेज ट्राइंग टू टेक एन एग्जाम्पल, जब आप एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं तो बहुत अच्छे से हमें वो चीजें याद हो जाती हैं। आप सभी को आप जॉइंट्स याद रहेगा, फेविकोल याद रहेगा, फेविकोल का जब यूज करोगे तो क्या काम होता है हमारे बॉडी में ऐसे, तो उसको याद रखोगे और हमेशा कभी काम भी करते रहोगे तो भी याद आ जाएगा। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है वो हमारे मूवमेंट के बारे में है, जैसे पौधों में गति होती है, प्लांट्स में गति होती है, उसी तरीके से ये इस गति को करने में कुछ जॉइंट्स होते हैं जो दो, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा संधि के बारे में। संधि किसे कहते हैं बेटा, जल्दी बता देना, हड़ी अप। हमारे बॉडी के दो पार्ट को आपस में जोड़ती है, दो पार्ट में जोड़ने का, जो बॉडी के दो पार्ट को जो आपस में जोड़ती है संधि कहते हैं। हमारे बॉडी के दो जॉइंट्स में, हमारे जो गर्दन में बॉडी के जो अस्थि को जोड़ता है, हमारे बॉडी के दो हड्डियों को जो जोड़ने का काम करता है उसको संधि बोलते हैं, हमारे बॉडी के दो बोन्स को जो जोड़ने का काम करता है उसको संधि बोलते हैं। हमारे बॉडी के दो पार्ट को एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा ये, आप बोन बोल सकते हो, अस्थि बोल सकते हो, ठीक है। आपका आंसर पूरी तरीके से आपका आंसर कि गलत है, आपने बोला फलक गलत नहीं है, है ना, बट आप जॉइंट्स बोलो, अस्थि बोलोगे, बोन्स बोलोगे तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके मैम, यस मैम। नेक्स्ट एक और टर्म था इसमें आया था, मुझे दिख नहीं रहा है। गुहिका किसे कहते हैं, गुहिका किसे कहते हैं बेटा, गुहिका हमारे बॉडी में, बोलिए बोलिए। गुहिका का दूसरा नाम क्या है? गुहिका का पूरा पूरा नाम तो बेटा गुहिका एज अ चेम्बर बोल सकते हैं, खाली स्पेस बोल सकते हैं। गुहिका हमारे शरीर में पाए जाने वाले एक ऐसा खाली स्थान है जिसमें दूसरी बोन जुड़ी रहती है, तो गुहिका ऐसी हो जाएगी जैसे ऊपर में हम लोगों ने एग्जांपल देखा था, उसी को गुहिका बोलते हैं। ये कटोरी जो है ना बेटा वो गुहिका का काम करती है, जिसके अंदर हमारे बॉडी का ज्वाइंट्स अटैच्ड होता है जो दूसरे किसी बोन को मूवमेंट करने में सहायता करता है, ये गुहिका हो गया, कटोरी, ठीक है। ओके मैम, वेट, ठीक है। इसके बाद ये जो जितने भी ज्वाइंट्स पढ़ाए हैं उसका एक बार रिवीजन कर लेना, जहां तक पढ़ाया, कहां तक पढ़ाया है हम लोगों ने, अभी ये धुराग्र संधि पढ़ा है, उसके बाद कुछ नहीं, हिंज संधि पढ़ा है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में अचल संधि, हिंज संधि, हिंज संधि हो गया है, यहां तक हम लोग ने पढ़ लिया है, अचल संधि से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? के मैम, नहीं मैम, नो मैम। हाँ ठीक है, कोशिश करना इसको रिवीजन कर लेना,
ठीक है, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच मैम, राधे राधे मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मीनू, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।